नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाटरफॉल के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, डेंजरस। ये क्यों, ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। दसम, जो कि स्थानीय मुंडारी भाषा के दो शब्दों का मेल है, दा और सोम। दा का मतलब है पानी और सोम का मतलब है जमाव। दसम फॉल रांची से 40 किलोमीटर दूर रांची टाटा मार्ग पर तैमारा गांव के पास है। रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूरी NH-33 यानी रांची टाटा मार्ग पर चलने के बाद आपको दसम फॉल का साइन बोर्ड दिखेगा, जो कि रोड के राइट साइड में होगा। NH-33 से लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर जाने पे आपको ये वाटरफॉल स्थित है। तो दोस्तों, ये है दसम फॉल का पहला व्यू पॉइंट। दसम फॉल का मेन स्रोत कांची नदी है, जो कि 144 यानी 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। अब आते हैं दसम फॉल को क्यों वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाटरफॉल इन झारखंड बोला जाता है। यूं तो आए दिन दसम फॉल में टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, और बड़े भी क्यों ना, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। साथ ही साथ यहाँ आने वाले टूरिस्टों को ये सख्त हिदायत दी जाती है, वह वाटरफॉल की धारा में न नहाएं या नहाते वक्त सख्त सावधानी बरतें। इसका मुख्य कारण है यहाँ होने वाली आए दिन की घटनाएं। कुछ पर्यटक नहाने के मौज मस्ती में सावधानी नहीं बरतते, जिसके कारण उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। अन्य वाटरफॉल के मुकाबले यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, जिस कारण इसे वन ऑफ द डेंजरस वाटरफॉल कहा जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि इस व्यू पॉइंट से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह व्यू पॉइंट काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण आप वाटर फ्लो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। तो ये था दसम फॉल। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो का लाइक करें, और न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।